एक एक्ट्रेस के तौर पर या एक्टर के तौर पर आप बॉलीवुड में काम करना चाहते हैं, टीवी सीरियल में काम करना चाहते हैं, लेकिन इस बात से परेशान हैं कि स्टैंडर्ड हाइट क्या होती है। आपको लगता है शायद आपकी हाइट कम है, आपको काम नहीं मिलेगा। अगर यही सब बातें आपको भी परेशान करती हैं तो ये फिल्मी फंडे है आपके लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, जॉइन फिल्म्स डॉट कॉम, और मैं हूं वीरेंद्र राठौर। दोस्तों, मुझे पहले ऐसा लगता था कि शायद ये जो टॉपिक है हाइट वाला, ये इतना मैटर नहीं करता, लेकिन आपके बार बार लगातार पूछने की वजह से मुझे लगा कि ये डाउट बहुत से लोगों के मन में है। बहुत से लड़के मुझसे पूछते हैं कि सर कितनी हाइट होनी चाहिए, मेरी हाइट कम है। बहुत सी लड़कियां पूछती हैं कि सर स्टैंडर्ड हाइट क्या होती है फिल्मों में आने के लिए, टीवी सीरियल में आने के लिए। देखिए, इस बात को मैं उसी तरह से साबित करूंगा हर बार जैसे करता हूं, कि मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। मैं आपको सिर्फ तरीका ये बता रहा हूं कि जो इंडस्ट्री में चलन है, अगर आप उसको खुद भी देखना शुरू करें तो ये सारे आंसर खुद ब खुद अपने आप आपको मिल जाएंगे। बहुत से ऐसे एक्टर, स्टार, सुपरस्टार हैं जिनकी ऑलरेडी हाइट कम है, तो इस सवाल का तो वैसे वजूद ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बहुत क्लियर करता हूं, हाइट मैटर नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ आपकी एक्टिंग, आपका टैलेंट, आपका एटीट्यूड और आपका जो जुनून है फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का, सिर्फ वही मायने रखता है, इसके अलावा कुछ मायने रखता। देखिए, कोई भी अगर प्रोड्यूसर डायरेक्टर अपने करेक्टर को ढूंढ रहा है और उसको लगता है कि हाँ इस करेक्टर में आप एज एन एक्टर जा सकते हैं, तो हाइट तो 2-4 इंच जो है वो ऊंची नीची की जा सकती है। ये जो टेलीविजन का काम है, फिल्मों का काम है, ये टेक्निकल वाला काम है, तो इसमें कई चीजों को छुपाया जा सकता है। आपने देखा ही होगा कि हमारी इंडस्ट्री के कई ऐसे हीरो जिनकी हाइट कम है, उन्होंने अपनी सी लंबी हीरोइन के साथ काम किया, तो ये टेक्निकली पॉसिबल हुआ। आपको स्क्रीन पे ऐसा नहीं लगेगा कि हीरोइन लंबी दिख रही है, हीरो छोटा दिख रहा है। आप देख लें, शाहरुख खान ने कटरीना कैफ के साथ काम किया है, ऐश्वर्या राय के साथ काम किया है, शाहरुख खान की, गोविंदा की, आमिर खान की, सलमान खान की, इन सबकी एक एवरेज हाइट है। बहुत अच्छी हाइट नहीं है कि 6 फीट टॉल है ये लोग, ये उसमें की नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ऑन स्क्रीन जब वो प्रेजेंस करते हैं एज एन एक्टर, एज एन करेक्टर, तो आप सिर्फ उनको देखते रह जाते हैं। वजह साफ है, उनकी एक्टिंग में इतना दम है, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस में इतना दम है कि आपका ध्यान उनकी हाइट की तरफ जाता ही नहीं। हाँ, अक्सर मजाक में लोग जरूर बोलते हैं कि हमारे सारे जो हीरो हैं उनकी हाइट कम है, जितने भी तीनों खान सुपरस्टार हैं उनकी हाइट बहुत कम है, हीरोइन के सामने छोटे छोटे हैं। लेकिन ये मजाक तक तो ठीक है, फिल्में तो देखने फिर भी जाते हैं आप लोग उनकी, तो इसी बात से आप ये अंदाजा लगाइए कि फिर आपको ये बात बार बार परेशान क्यों कर रही है, क्यों रोक रही है। आपकी जो भी हाइट है आप उसका कुछ नहीं कर सकते। 2-3-4 इंच लड़कियां या 2 इंच लड़के, ये अपनी हील से बढ़ा सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो जब आप नहीं कर सकते तो इसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत रहिए। आप सिर्फ ध्यान दीजिए एक्टिंग को तराशने के लिए, एक्टिंग में सीखने के लिए, पता करिए कैसे अच्छे से मैं ऑडिशन दे पाऊं, इन सब चीजों को सीखिए, इन सब बातों को रहने दीजिए। अब मैं आपको बिल्कुल डेटा वाइज बताता हूं कि किस हीरो हीरोइन की हाइट कम है, उसके बाद भी वो सक्सेसफुल है। अगर हम शुरुआती दौर से देखें तो राज कपूर की कोई हाइट बहुत अच्छी नहीं थी, जया भादुड़ी की कोई हाइट बहुत अच्छी नहीं थी, नॉर्मल हाइट के लोग थे। उसके बाद राजेश खन्ना है, राजेश खन्ना कोई बहुत अच्छे लंबी हाइट के व्यक्ति नहीं थे, उसके बाद भी उन्होंने सक्सेसफुली स्टारडम देखा। फिर उसके बाद सिर्फ अमिताभ बच्चन ऐसे थे जिनकी हाइट बहुत अच्छी थी, विनोद खन्ना की हाइट बहुत अच्छी थी, बाकी सब नॉर्मल कदकाठी के लोग थे। उसके बाद भी वो हीरो भी रहे, हीरोइन भी रहे और उनको लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अगर मैं इस जमाने के हीरो हीरोइन की बात करूं तो मैंने पहले ही 3 नाम ले लिए, सलमान खान, आमिर खान और शाहरुख खान। शाहरुख की जो हाइट फिर भी थोड़ी सी नॉर्मल है, 5'7" के आसपास है। मैं एकदम एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं आपको, क्योंकि एग्जैक्ट किसी को भी नहीं पता है, 5'7" के आसपास है। सलमान खान 5'6" के आसपास है और आमिर खान तो 5'4" है। उसके बाद भी देखिए वो किस तरह से बड़ी बड़ी फिल्में कर रहे हैं, हर हीरोइन के साथ काम किया है और उनको एक बहुत ही आला दर्जे का एक्टर माना जाता है। अगर मैं हीरोइन में बात करूं तो रानी मुखर्जी, जिनकी हाइट सिर्फ 5'2" है, असीम की हाइट भी 5'2" है, विद्या बालन 5'4" है, काजोल 5'3" है, ऐसी बहुत सारी हीरोइन हैं जिनकी हाइट बहुत कम है। सैफ अली खान 5'6" है, शाहिद कपूर 5'6" अगेन, रणवीर सिंह 5'6" है, तो ये तो बहुत नॉर्मल एवरेज हाइट है जो सबकी होती है। अगर एज ए एक्टर आपकी हाइट 5'5" भी है तो भी कोई बात नहीं, बहुत से टीवी में एक्टर हैं जिनकी हाइट कम है तो भी वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसलिए इस बात से आज से अभी से परेशान होना छोड़ दीजिए, अपने आप को डेवलप कीजिए कि एज एन एक्टर आप बॉडी वाइज बहुत फिट दिखें, वो बहुत जरूरी है, एक्टिंग आप परफेक्ट करें वो बहुत जरूरी है,
बाकी बातों पे आप ज्यादा ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ये बातें आप बदल नहीं सकते, लेकिन इन बातों की वजह से आप डिसहार्डन हो जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, आप मायूस हो जाते हैं कि यार मैं पता नहीं जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा। तो आज से अभी से इन बातों को अपने दिमाग से निकाल दीजिए और देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।